हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का फिर से कमाल की न्यू वीडियो के अंदर। तो फाइनली यार PUBG मोबाइल की थर्ड एनिवर्सरी बीटा वर्जन के अंदर लॉन्च कर दी गई है। तो गाइस यार, अगर आपने बीटा वर्जन की लोडिंग स्क्रीन पर ध्यान दिया है तो गाइस इस बार भी हमें थर्ड एनिवर्सरी के अंदर काफी कमाल का न्यू अम्यूजमेंट पार्क देखने को मिलने वाला है, जैसे कि हमें सीजन 12 के अंदर देखने को मिला था। तो गाइस यार, इस बार की जो सीजन 18 की लॉबी बेस्ड होने वाली है वो म्यूजिक के ऊपर बेस्ड होगी गाइस, ये 100% मैं आपको प्रूफ के साथ कह सकता हूं। तो गाइस अभी आप ये जो लोडिंग स्क्रीन के अंदर पार्क देख रहे हो, ये कोई पार्क नहीं है बल्कि यहां पर पूरा के पूरा म्यूजिक स्टेशन होने वाला है। और गाइस अगर आप राइट टॉप में देखोगे तो आपको यहाँ पर मोबाइल जैसे डिस्प्ले दिखाई देगी। तो ये टोटल 3 डिस्प्ले होने वाली गाइस, जिसके अंदर हमें सीजन 18 के रिलेट में काफी सारे वीडियो प्ले करके दिखाए जाने वाले हैं। इसके अलावा गाइस अगर आप बैकग्राउंड में देखते हो तो गाइस यहाँ पर हमें इरेंगल मैप देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि क्लासिक मैचेस के अंदर ये बहुत ही बड़ा हॉट ड्रॉप होने वाला है। तो गाइस ये पार्क मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट में बताओ गाइस। तो गाइस नेक्स्ट आता है एक काफी कमाल का इमोट, और गाइस यार इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये प्लेयर जो है इंडियन डांस कर रहा हो, और गाइस इसका नाम ही स्पेशल डांस होने वाला है। और गाइस ये 100% कंफर्म है कि यार रॉयल पास के अंदर तो नहीं आएगा। तो गाइस यार सीजन 18 की कोई मिथिक आउटफिट के साथ में हमें देखने को मिलने वाला है ये इमोट। अब देखो यार मेरे प्यारे से भाई, और इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि आप सभी को 100% कंफर्म अपडेट दिखाने बाकी हैं। तो गाइस यार प्लीज देख लेना इस वीडियो को। तो गाइस नेक्स्ट है एक अपग्रेडेबल आउटफिट। तो गाइस ये जो आउटफिट आप देख रहे हो ये कोई फॉरवर्ड्समैन वाली आउटफिट नहीं है बल्कि पूरा के पूरा एक्स सूट है। तो गाइस एक्स सूट से मेरा मतलब है कि फाइनली यार फेरो जैसे दिखने वाली एक और आउटफिट आने वाली है, और गाइस ये सेकंड आउटफिट है जिसे आप अपग्रेड कर पाओगे। और गाइस इस आउटफिट के जो इमोट है ना वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। और हां गाइस इस आउटफिट को भी आप लेवल 7 तक अपग्रेड कर सकते हो। गाइज अपग्रेड करने से पहले ये जो आउटफिट है पूरी तरह से ब्लैक रहती है, और गाइज धीरे धीरे अपग्रेड करने पर ये पूरी तरह से रेड हो जाती है। और गाइज इसके जितने भी इमोट रहेंगे वो सारे मिथिक रहने वाले। इसके साथ में एक और इमोट आएगा जो कि ये बर्ड वाला इमोट आप देख सकते हो, ये भी मुझे काफी ज्यादा प्यारा इमोट लगा। इसके अलावा गाइज फेरो आउटफिट के साथ में हमें काफी सारे फ्री रिवॉर्ड मिले थे। तो गाइज इस आउटफिट के साथ में हमें काफी सारे फ्री रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। तो गाइज अब बात करते हैं सीजन 18 के अपडेट की। तो गाइज अगर आप 1.3 की लॉबी के अंदर जाते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे आप राइट में स्वाइप करते हो तो गाइस आपको यहाँ पर एक न्यू म्यूजिक वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइस अभी ये जो म्यूजिक है प्ले हो रहा है लेकिन मैंने इसको म्यूट किया क्योंकि यार कॉपीराइट की दिक्कत हो सकती है। तो गाइस ये जो पार्ट है एक म्यूजिक कलेक्शन पार्ट है, यहाँ पर आप काफी सारे म्यूजिक स्टोर कर सकते हो। अब गाइस मुझे ये नहीं पता है सीजन 18 तक रहेगा या उसके बाद भी रहने वाला है, वैसे तो गाइस यहाँ पर ये परमानेंट ही लग रहा है मुझे। और गाइस अगर आप सिलेक्ट मोड में जाते हो तो गाइस आपको यहाँ पर न्यू मैप काराकिन देखने को मिल जाता है। तो गाइस यार मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी काराकिन मैप आने वाला है सीजन 18 के अंदर। इसके अलावा गाइस आपको एक न्यू अरेना मोड या मैप देखने को मिलने वाला है। तो गाइस इसका नाम होगा कोडसी, जो कि अभी चाइनीज में लिखा गया है, और गाइस मुझे लगता है फ्यूचर में इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा। अब गाइस सबसे पहले मैं आपको ये अरेना मैप का गेम प्ले दिखाऊंगा जो कि यार बहुत ही ज्यादा ओपी मोड है। तो गाइस इस न्यू मैप के अंदर हमें सारे वेपन जो अलमारी के अंदर देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हो सारी गन इसके अंदर रखी गई है। और गाइस यार ध्यान से देखना इस मैप को मैंने आपको बहुत पहले दिखाया था लेकिन यार ये पूरी तरह से डेवलप नहीं था, लेकिन अब फाइनली यहाँ पर पूरा डेवलप हो चुका है, देख सकते हो आप यहाँ पर। और गाइस यार इस हेलीकॉप्टर को देखकर आपको कुछ ना कुछ तो जरूर याद आ गया होगा। और गाइस इस मोड को खेलने पर ऐसा लगता है जैसे COD मोबाइल खेल रहे हो। सच में यार आप देखना एक बार खेल के, बीटा का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो गाइस यार नेचुरल वाइटी ने हमें बताया कि PUBG मोबाइल के अंदर एक वन टाइम यूज वेपन भी आने वाला है जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप के अंदर देखने को मिलेगा, वो भी काराकिन मैप के अंदर। गाइस इस वेपन का नाम होने वाला है पैंजर फोस्ट, और गाइस यार इस वेपन का सच में यार बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहा था लेकिन अब फाइनली यार बीटा वर्जन के 1.3 के अंदर आ चुका है। गाइस इस वेपन को आप उसी तरह यूज कर सकते हो जैसे कि पेलोड मोड के अंदर आप रॉकेट लॉन्चर यूज करते हो, और गाइस एक बार यूज करने के बाद ये पूरा वेपन बेकार हो जाएगा, इसको आपको फेंकना होगा बैकपैक से। इसके अलावा गाइस इस न्यू काराकिन मैप के अंदर काफी सारे न्यू फीचर्स एंड वेपन्स तो ऐड किए गए हैं लेकिन गाइस इसके अंदर कोई भी व्हीकल ऐड नहीं की गई है, ये पूरा मैप हमें पैदल ही खेलना पड़ेगा। तो गाइस यार इसका मेन रीजन ये है कि इस पूरे मैप के अंदर चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है तो यहाँ पर व्हीकल का चलाना लगभग यार नामुमकिन है। और गाइस यार इस मैप की भी जो साइज है वो 2x2 किलोमीटर, यानी कि ये भी मैप लिविक के बराबर ही होने वाला है, तो यार इजीली तो हम यहाँ पर पैदल खेल ही सकते हैं इस मैप को। और गाइस यार सबसे अनोखी बात ये है कि इस पूरे मैप के अंदर कोई भी रेड जोन नहीं होगा, तो यार काफी ज्यादा मजा आएगा है ना गाइस। तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर अगर रेड जोन नहीं है तो क्या हुआ यार, एक न्यू जोन ऐड कर दिया गया जो कि है ब्लैक जोन। और यार मेरी मानो तो यार इस जोन से बच के ही रहना क्योंकि जब ये गिरता है किसी घर के ऊपर तो पूरा घर ही उड़ा देता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो अब इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी घर के नीचे कवर लेने मत चले जाना वरना आपका ही चिकन डिनर बन जाएगा। और हाँ अगर आपको कवर लेना ही है तो आपको काफी सारे ऐसे बंकर दिखेंगे, यहाँ पर आप कवर ले सकते हो, यहाँ पर ब्लैक जोन का कोई भी असर नहीं होता है। तो पूरे काराकिन मैप के अंदर आपको ऐसे 60 से 70 मजाक कर रहे हो गाइस, यहाँ पर काफी सारे ऐसे बंकर आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर आप कवर ले
ले सकते हो। इसके बाद जो स्टिकी बॉम्ब है वो भी सिर्फ और सिर्फ काराकिन मैप के अंदर ही देखने को मिलेगा। और गाइस स्टिकी बॉम्ब से आप ये कच्ची दीवार आसानी से तोड़ सकते हो, बस आपको इसे फेंकना है और सिंपली वहां पर जाकर चिपक जाता है। तो गाइस इस न्यू वेपन को आप बीटा वर्जन के अंदर यूज कर सकते हो और गाइस 1.3 के ग्लोबल वर्जन के अंदर में भी ये वेपन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस मैंने भी पहले यही सोचा था ये जो फीचर है मोटर ग्लाइड वाला ग्लोबल वर्जन के अंदर आ जाएगा तो पूरा गेम बेकार हो जाएगा, काफी प्लेयर तो हवा में उड़ते रहेंगे, उनको कैसे मारेंगे, कैसे खेला जाएगा ये गेम। लेकिन गाइस जैसे ये फीचर बीटा वर्जन के अंदर लॉन्च हुआ है मेरे सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। तो गाइस सबसे पहली बात, अगर आप क्लासिक मैचेस खेलते हो तो गाइस इसको ढूंढने के लिए आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और गाइस अगर आपको ये मिल भी जाता है तो इसकी जो शुरुआती स्पीड रहती है वो भी काफी ज्यादा स्लो रहती है, तो गाइस आपको बहुत ही संभल कर इसको उड़ाना पड़ता है। इसके अलावा इसका जो फ्यूल है वो भी बहुत ही जल्दी खत्म होता है और गाइस पहले से ही बहुत कम फ्यूल मिलता है इसके अंदर हमें। और गाइस यार सबसे मेन बात, ये ज्यादा हाइट पर उड़ ही नहीं सकता जैसे कि हमारा हेलीकॉप्टर उड़ता था, तो यार इसको उड़ाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन गाइस ये एक अच्छी बात है कि हमें फिर से PUBG Mobile के अंदर एक और न्यू फीचर यूज करने के लिए मिलेगा। इसके अलावा सीजन 18 रॉयल पास लॉन्च होने के बाद हमें गोल्ड टीयर के ऊपर यह आउटफिट मिलने वाली है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो येलो ब्लैक एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में यह आउटफिट आने वाली है। तो गाइस अभी आप यहाँ पर सोच रहे होंगे भाई यहाँ पर ये मिथिक नेम क्यों लिखा गया है, क्योंकि यार ये बीटा की लीक से तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और गाइस यार पर्पल कलर की DP28 की स्किन हमें डायमंड टायर पर मिलने वाली है, जैसा कि आप देख सकते हो सीजन 18 DP28। तो गाइस फिलहाल के लिए यहाँ पर सिर्फ दो ही रिवॉर्ड निकल कर आए हैं और भी काफी सारे आने वाले हैं, बहुत ही जल्दी आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन गाइस यार बीटा वर्जन के जो चेंजेस हुए हैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये जो फीचर है ना बहुत ही ज्यादा कमाल का है। इन्वेंटरी के अंदर जाना, उसके बाद आपको सेटिंग के अंदर जाना, यहाँ पर आपको बेस्ट 7 वाला एक न्यू ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब गाइस यहाँ पर अभी इसका नाम पूरा रिवील नहीं हुआ है, अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट दिस टू हाइड योर हेलमेट इन कॉम्बैट, ओनली अप्लाइज टू योरसेल्फ। तो गाइस क्लासिक मैच के अंदर अगर आप कोई हेलमेट उठाते हो तो गाइस इस फीचर को एनेबल करने के बाद वो ऑटोमेटिक ही हाइड हो जाएगा। तो गाइस वो हाइड आपके लिए रहेगा, एनिमी के लिए नहीं रहेगा। एनिमी को हेलमेट दिखेगा लेकिन आपको नहीं दिखेगा। और गाइस आपका जो भी हेडगियर पहना रहेगा वो भी आपको शो होने लगेगा आपकी स्क्रीन पर। तो यार काफी बंदों के जो मिथिक के हेडगियर रहते हैं तो गाइस वो हेलमेट के चलते हाइड हो जाते हैं, तो इसलिए इस फीचर को लॉन्च किया गया है। वैसे गाइस यहां पर काफी बंदे अब इजीली जो गेम प्ले बना सकते हैं हेडगियर के साथ में। अब गाइस जो नेक्स्ट फीचर है वो पॉपुलैरिटी के ऊपर बेस्ड होने वाला है। यहां से आप स्वाइप कीजिए, पॉपुलैरिटी में जाइए, गिफ्ट रिसीट में जैसे ही जाएंगे आपको यहां पर एक न्यू पॉपुलैरिटी देखने को मिल रही है जो कि ये गोल्डन कार्ड है। अब गाइस इस गोल्डन कार्ड से आपको कितनी पॉपुलैरिटी मिलेगी यहाँ पर अभी वो चाइनीज में लिखा गया है, जैसे ग्लोबल में आएगा ना गाइस आपको पता चली जाएगा। इसके अलावा गाइस मिशंस के अंदर भी काफी सारे न्यू अचीवमेंट ऐड हो चुके हैं। अचीवमेंट में जाना, उसके बाद मेडल पे क्लिक करना, आपको यहाँ पर काराकिन मैप वाले अचीवमेंट देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस आपको यहाँ पर 50 टाइम विंस करना होगा तब जाकर आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलने वाले। फिलहाल के यहाँ पर बीपी कॉइंस बता रहा है लेकिन बाद में आने वाले काफी सारे रिवॉर्ड यहाँ पर भी। इसके अलावा गाइस जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था सोशल के अंदर भी यहाँ पर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन वाला और गाइस #1 वाला अचीवमेंट भी जो है ऐड कर दिए गए हैं। अब गाइस जो नेक्स्ट चेंजेस हुए वो हुए हैं फ्रेंड लिस्ट के अंदर। अगर आप यहाँ से क्लिक करते हो फ्रेंड लिस्ट पर तो आपको यहाँ पर न्यू ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो गाइस फ्रेंड, रिसेंट, क्रू एंड क्लान वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। इसके अलावा जो पहले वाले थे वो भी ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं, हो सकता है बाद में कुछ चेंजेस वगैरह कर दिए जाए। तो गाइस अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया प्लीज यार इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और गाइस आगे बहुत सारी न्यू लीक्स आने वाली है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अमेजिंग लीक्स देखने के लिए, बिकॉज अभी तो कुछ भी लीक्स मैंने आपको नहीं दिखाई है। तो गाइस यार इतनी सारी इन्फो तो आपको शायद किसी ने दी होगी और गाइस यार वीडियो को भी बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और गाइस यार वीडियो को भी लाइक कर देना। तो गाइस यार अब उन बंदों को शॉर्ट आउट मिलेगा जिन्होंने यार पिछली वीडियो के अंदर करेक्ट आंसर दिया था। तो गाइस ये रहे उन सभी का नाम जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया था। अगर आपका नाम यहाँ पर आया तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, अगर आपका नाम यहाँ पर नहीं आया तो गाइस यार जल्दी से वो कोड फाइंड करो जो को आपको इस वीडियो के अंदर कहीं पर भी मिल जाएगा, क्या पता गाइस अगली वीडियो के अंदर आपको भी शॉर्ट आउट मिल जाए। और गाइस यार वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो गाइस मिलता हूं अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए यार बाय बाय फ्रेंड्स।